Hi everyone, welcome to my channel and welcome to another video. I hope you all are doing good and I hope you all are safe. So today's video is going to be a summer appropriate maxi dress and dress haul. So ये जो भी products मैं आपको दिखा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा beautiful floral pattern के हैं. इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा lace pattern मिल जाएगा, print मिल जाएगा and ये जो dresses हैं ना ये काफ़ी trendy है, premium quality के हैं. Plus I have a discount code for you all as well. So जो भी products मैं आपको दिखाऊँगी सब के सब जो है These are by the brand Fab Alley. So Fab Alley के वेबसाइट से अगर आप परचेज करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड वेराइटी मिल जाएगा, काफ़ी सारे साइजेस मिल जाएंगे. प्लस यू कुड यूज़ माई कूपन कोड. सो येस दे वर काइंड इनफ टू शेयर अ कूपन कोड विद मी, दैट इज RIAX20. ये कूपन कोड अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको आपके परचेज पे 20% ऑफ मिल जाएगा जो कि एडिशनल ऑफ होगा, तो यू सेव अ लॉट ऑफ मनी. सो ये जो वेबसाइट है दिस इज़ वेरी वेरी ईजी टू यूज़. प्लस आपको ईजी रिटर्न्स मिल जाएगा. 15 डेज का रिटर्न यू नो पीरियड होता है, उसमें आप इजीली प्रोडक्ट्स रिटर्न भी कर सकते हैं अगर आपको रिटर्न करना है तो. एंड द वेबसाइट इज वेरी इजी टू यूज. सो विदाउट फर्दर रैम्बलिंग लेट्स गेट इनटू द हॉल. सो द फर्स्ट वन दैट आई वुड लव टू शो यू ऑल इज माय पर्सनल फेवरेट. आई एम इन लव विद द प्रिंट ऑफ दिस आउटफिट. ये बहुत ही ज्यादा सुंदर सा मैक्सी ड्रेस है एंड आई एम वेरी श्योर एवरीबॉडी इज गोइंग टू लव दिस. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाइट के ऊपर बहुत ही ज्यादा सुंदर से लाइलैक फ्लावर्स बने हुए हैं. नाउ दिस इज लाइक अ स्लीवलेस ड्रेस, मैक्सी ड्रेस है, फुल यू नो फुल लेंथ का मैक्सी ड्रेस है ये. एंड यहाँ पे आपको इस टाइप के रफल्स मिल जाएंगे. द बेस्ट पार्ट अबाउट ऑल दीज आउटफिट्स आर दैट दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट. ईजिली आप समर के डे टाइम में पहन सकते हैं जब काफी ज्यादा धूप भी होगी तो ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं लगेंगे. सो ये जो आउटफिट है लाइनिंग के साथ आता है तो ये कुछ इस टाइप का आउटफिट है. एंड ये जो आउटफिट है फुल लेंथ का है एंड नीचे तक आपको कुछ इस टाइप के रफल्स मिल जाएंगे. सो इसका जो प्रिंट है This print is to die for. It's gonna look good on everybody. बहुत ही ज़्यादा pretty है. पीछे के साइड अगर आप देखोगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक से आपको बैक मिल जाएगा जहाँ पे आपको यहाँ पे कटआउट मिलेगा एंड देन यू हैव दिस एक्स्ट्रा फैब्रिक जिसे आप एज अ टाई अप डिज़ाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो ये कुछ इस टाइप से है एंड इसमें मैंने लिया है साइज स्मॉल एंड आपके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे साइज से चूज कर सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट वन. फैब्रिक इसका बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. उसके बाद आई गॉट अनदर आउटफिट जो कि फ्लोरल है एंड आई एम वेरी श्योर कि ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा. दिस इज comparatively a short dress जो कि आप picnic के लिए use कर सकते हैं या फिर lunch के लिए casual wear के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आपको इसमें collar मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा beautiful से blue color का है एंड इसमें आप देख सकते हैं कि white color के flowers बने हुए हैं, तो combination काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी subtle लग रहा है and it's very very pleasing as well. सो यहाँ पे आपको कुछ बटन्स मिल जाएंगे, सारे के सारे बटन्स ओपन नहीं होते हैं एंड देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ये स्ट्रेचेबल गैदरिंग मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है. एंड नीचे से आप देखोगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर से प्लीट्स मिलते हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है दिखने में. तो इसका लेंथ जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है. यू जस्ट हैव टू वेयर साइकिलिंग शॉर्ट्स एंड ये बिल्कुल अगेन ट्रांसपेरेंट नहीं है बिकॉज ये अपने लाइनिंग के साथ आता है. सो ये भी मैंने लिया है साइज स्मॉल में एंड स्लीव्स के लिए आपको कुछ इस टाइप के बहुत प्रिटी स्लीव्स मिल जाएंगे. तो यहाँ पे भी आपको गैदरिंग मिलता है. तो ये छोटे छोटे डिटेल्स जो है ना ये आउटफिट को और भी ज्यादा यू नो प्रिटी बनाता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से है ये एंड ये भी ड्रेस मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा. उससे नेक्स्ट आई गॉट टू लेसी ड्रेसेस. नाउ ये जो ड्रेसेस है ये सेम ड्रेसेस है बट इसमें मैंने दो अलग अलग कलर लिए हैं. तो ये जो लेसी ड्रेस है ना इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा सुंदर है. सो द फर्स्ट वन इज पिंक. तो ये जो पिंक आउटफिट है ये आप डे टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा इजीली पहन सकते हैं, काफी कंफर्टेबल है एंड ये जो लेस है ना ये काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है. ये भी अपने लाइनिंग के साथ आता है. यू गेट दीज शॉर्ट प्रिटी स्लीव्स एंड ये जो ड्रेस है थोड़ा सा शॉर्ट ड्रेस है तो इट्स अ वेरी नाइस ड्रेस जो कि आप लंच के लिए पहन सकते हैं, डेट के लिए लाइक इफ यू हैव डेट विद योर बॉयफ्रेंड और योर फ्रेंड्स तो आप डेफिनेटली इसे पहन सकते हैं. ये भी नीचे से थोड़ा सा फ्लेरी टाइप का ड्रेस है बट दिखने में ये काफी ज्यादा एलिगेंट लगता है, काफी सुंदर लगता है. एंड नेक लाइन की बात करें तो ये आपको इस टाइप के हाई नेक लाइन में मिलेगा. नाउ समर है, गर्मी का सीजन है बट ये सिंस नेट का है ऊपर का तो इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं होगी, प्लस ये बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील नहीं होता. इसे मैंने लिया है स्मॉल साइज में एंड इसमें पीछे पे आपको नो शो जिप मिलेगा. नाउ दिस इज द फर्स्ट कलर दैट आई गॉट दिस इन अनदर कलर. ये आई कुड नॉट रेजिस्ट सो आई गॉट दिस इन अ वेरी ब्यूटिफुल वाइन कलर एज वेल.
सो ये जो आउटफिट है ये इजीली आप इवनिंग वेयर के लिए ले सकते हैं, अगर आप यू नो पार्टी के लिए जा रहे हैं, अगर आप डिनर के लिए जा रहे हैं, लेट नाइट अगर कोई यू नो पार्टी है तो उसके लिए आप डेफिनेटली इस कलर को ले सकते हैं बिकॉज ये डार्क है. सो यू हैव टू ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, या फिर आप मेरी तरह दोनों ले सकते हैं. सो इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, बट इट्स जस्ट दैट ये दो कलर्स में मिल रहा था तो मैंने सोचा कि ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको दोनों दिखा दूं. तो ये कुछ इस टाइप से है, इट्स द सेम थिंग बट यू गेट टू कलर्स इन दिस, तो आपके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं. उसके बाद आई गॉट दिस वेरी ब्यूटिफुल इवनिंग गाउन जो कि आप देख सकते हैं कि लाइक प्लेन है बट इसमें जो पैटर्न दे रखा है ये काफी ज्यादा सुंदर है. सो आई गॉट दिस वेरी ब्यूटिफुल पार्टी वेयर ड्रेस. नाउ इसका जो नेक का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, काफी ज्यादा यूनिक है. सो आपको कुछ इस टाइप का नेक मिल जाएगा. यू हैव दिस की होल नेक लाइन ओवर हियर एंड देन स्लीव्स के लिए आपको कुछ इस टाइप के स्लीव्स मिल जाएंगे. यू हैव दिस नो शो जिप जिसके अंदर आप यू नो इजीली जा सकते हैं, यू कैन जिप इट अप एंड इट्स वेरी इजी टू जिप एज वेल. सो ये कुछ इस टाइप से है एंड ये जो सिल्वेट है ये बहुत ही ज्यादा फ्लोई सा सिल्वेट है. यू गेट दिस स्लिट ओवर हियर यहाँ पे, तो इसके अंदर आपको साइक्लिंग शॉर्ट्स जरूर पहनने होंगे. दिस इज समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली वेयर फॉर अ पार्टी और एन इवेंट. नाउ इवन दिस दो दिस इज प्लेन, आप इसे बहुत अच्छी तरीके से इजिली एक्सेसराइज कर सकते हैं. लाइक यू कैन एक्चुअली कैरी a gold, black, silver clutch with this and उसके साथ आप you know earrings and जूते matching coordinate करके pair कर सकते हैं. So it is very easy to style plain outfits but even though it's plain इसका जो pattern है ये काफी ज्यादा different है. Plus ये काफी ज्यादा flowy है, you can see that it has these gatherings over here, so it makes the dress very flowy. So ये मैंने लिया है एंड आई बिलीव इस टाइप के ड्रेस में पिंक कलर भी अवेलेबल था तो वो भी आप चेक कर सकते हैं. उसके बाद आई गॉट अनदर फ्लोई आउटफिट. सो ये कुछ इस टाइप से ड्रेस है जो कि आप पहन सकते हैं डे टाइम के लिए. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लुकिंग ड्रेस. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का ड्रेस है ये एंड इस टाइप के आपको स्लीव मिल जाएंगे, फ्लेयर्ड स्लीव आपको मिल जाएंगे. ये जो ड्रेस है आप देख सकते हैं इसमें टेक्स्चर दे रखा है यहाँ पे एंड इस पे पिंक कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं जो इस पे ना बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत समर अप्रोप्रिएट लग रहा है, काफी अफोर्डेबल भी था. इफ यू यूज माई कूपन कोड ये जो ड्रेस है आपको और ज्यादा अफोर्डेबल रेट में मिल जाएगा. सो पीछे से आपको कुछ इस टाइप का गैदरिंग मिलता है, तो इसमें ये जो गैदरिंग है ये बहुत ही ज्यादा लाइक स्ट्रेचेबल है बट इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल एज वेल. एंड देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको इस टाइप का स्लिट मिल जाएगा. सो हल्का सा लॉन्ग है बट यू हैव द स्लिट ओवर हियर एंड इसके साथ साथ भी आपको लाइनिंग मिल जाएगा, तो ये भी ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है. तो ये भी जो ड्रेस है मुझे काफी अच्छा लगा डे टाइम वेयर के हिसाब से. इट्स अ वेरी प्रिटी ड्रेस एंड आई गॉट दिस इन द साइज स्मॉल. सो दिस इज द लास्ट ड्रेस दैट आई गॉट एंड इस पे आपको पूरे पे फ्लोरल प्रिंट्स मिलेंगे. आई रियली लाइक दिस, कैजुअल वेयर के हिसाब से ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. इवन अगर आपको फैमिली लंच पे जाना है तो भी आप इजिली इसे पहन सकते हैं. सो ये कुछ इस टाइप से है, आपको राउंड नेक में मिल जाएगा, यहाँ पे आपको गैदरिंग मिल जाएगी स्लीव के पास, 3/4 स्लीव्स पे है ये एंड मरून पे ये जो फ्लावर्स है ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, काफी रिच, काफी एलिगेंट लग रहा है. इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस एंड नीचे से आपको कुछ इस टाइप से गैदरिंग मिल जाएगा. नाउ इसके भी साथ, जैसे मैंने मेंशन किया कि सारे ड्रेसेस के साथ लाइनिंग आता है, तो इसके साथ भी आपको लाइनिंग मिल जाएगा. तो ये भी जो ड्रेस है ना ये पहनने के बाद काफी ज्यादा सुंदर लगता है, तो इसके साथ आप कॉम्बैट बूट्स जो आते हैं ब्राउन कलर के वो पहन सकते हैं, फ्लैट्स या फिर यू नो बेलीज भी इसमें पहन सकते हैं एंड यू कैन जस्ट कैरी अ स्लिंग बैग एंड यू आर गुड टू गो. ये बहुत ही ज्यादा इजी स्टाइलिंग वाला ड्रेस है. सो ये मैंने लिया है लास्ट ड्रेस दैट आई रियली लव एंड सो दैट कंप्लीट्स माय हॉल. डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये समर अप्रोप्रिएट मैक्सी ड्रेस एंड ड्रेस हॉल कैसे लगा. डू नॉट फर्गेट टू यूज माई कोड दैट इज RIAX20, यू विल सेव एन एडिशनल ऑफ 20% ऑफ योर ऑर्डर. तो जो भी सारे लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम and you could check out my second channel as well. Subscribe to this channel, share this video with your friends and family. That's all for this video. Thank you so much for watching.